मखाने का रायता बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि मखाना ऑलरेडी कैल्शियम से भरपूर होता है। तो इस रायते को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसे कभी भी बना के कभी भी खा सकते हैं, और बनाना तो बहुत ही इजी होता है। फ्रेंड, चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। आज की रेसिपी को शुरू करने से सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, और बॉल में जितना भी रायता हमें बनाना है उतनी दही को हम ट्रांसफर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कटोरी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितनी चाहें उतनी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें दही को अच्छे से फेंटना है। हम इसको मिक्सर में भी फेंट सकते थे, लेकिन मिक्सर में फेंटने से दही पतली बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, इसलिए हम इसको मिक्सर से नहीं फेंटेंगे, हम इसको हैंड मिक्सर से ही फेंटेंगे, जिससे कि हमारी दही गाढ़ा ही रहे और रायता खाने में बहुत ही मजा आए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी दही अच्छे से फिट गई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी दही अच्छे से फिट गई है। दही को साइड में रखते हैं और गैस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और पैन में 1 कटोरी मखाने ऐड करेंगे, और इनको हमें बिना घी के रोस्ट करना है। इनको हमें जब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो इनको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और रोस्ट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमें मखाने को भूनते भूनते लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। फ्रेंड्स, मखानों को फोड़ के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मखाने बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इन मखानों को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारी दही भी हमने फेंट के तैयार कर लिया। अब हमने जो मखाने रोस्ट करके रखे थे उसको इस दही में ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस दही में थोड़े से मसाले ऐड करते हैं, जैसे थोड़ा सा काला नमक। आप काले नमक की जगह व्हाइट नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और फ्रेंड्स रायते के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करते हैं। आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रायते का टेस्ट खट्टा मीठा करने के लिए हमने इसमें चीनी ऐड की है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक सिंपल सा तड़का लगाएंगे, जीरे और हींग का तड़का। इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और कुछ पत्तियां हम इसमें पुदीने की कट करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास ताजा पुदीना है तो आप पुदीने को कट करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखा पुदीना है तो आपको सूखा पुदीना इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स, मेरे पास सूखा पुदीना था तो मैंने उसको क्रश करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इसे 10 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मखाना है वो फूल जाएगा और हमारी दही उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने बॉल की लिड को हटा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मखाना अच्छे से फूल गया है और इसमें दही को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा रायता बन के तैयार है। अब हम इस बॉल लेते हैं और अपने रायते को सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये लीजिए हमने अपने रायते की प्लेटिंग कर दी है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल करते हैं, ताकि हमारा रायता देखने में भी बहुत ही लाजवाब लगे, और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मखाने का रायता कैसा लगा। आप इसे किसी भी मील के साथ इजीली खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।